का पूरा घर कोई उठा सकता है? सवाल सुनकर ही हैरानी होती है, लेकिन ऐसा हो सकता है। राजधानी रांची में बरसात से जल जमाव क्षेत्र में परेशान परिवार ने हाईटेक तकनीक का सहारा लेकर अपनी परेशानी का हल निकाला है। रिपोर्ट में देखिए। राजधानी रांची जैसे जैसे विकसित हो रही है, बेतरतीब तरीके से आलीशान मकान बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि यहां अब पानी निकासी की भी जगह नहीं बची है, लिहाजा बारिश का पानी घरों में घुस जाता है और लोग परेशान होते हैं। यही परेशानी कांके रोड स्थित निखत परवीन पिछले 8 वर्षों से झेल रही है। यूट्यूब से बहुत सारी इसके बारे में जानकारी मिली, तब मैंने इन लोगों से कॉन्टेक्ट किया। ये लोग है लखीमपुर के, यूपी लखीमपुर जिला के, कॉन्टेक्ट किया। उसके बाद ये सर्वे करने के लिए आया, ये लड़का जो है सोनू, ये सर्वे करने के लिए आया। उसके बाद देखा, उसके बोला कि ठीक है, हम लोग यहाँ कर लेंगे। उसके बाद वो सब आए यहाँ और काम स्टार्ट कर दिए। राजधानी रांची के लिए ये तकनीक भले ही नहीं हो, लेकिन बड़े बड़े महानगरों में ये तकनीक पिछले 20 साल से कारगर है। लिफ्टिंग का काम कर रहे कंपनी के मुताबिक 5 मंजिला बहु इमारत की हाइट को 5 फीट तक उठाया जा सकता है। साथ ही एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट भी किया जा सकता है। लगाते हैं पहले जो हम अपन जो बुनियाद होती है वो खोदते हैं, उसकी 1 फुट जगह बना के जैक लगाते हैं पूरी है। हमारी जो हमारी बिल्डिंग है, उससे पहले बोलो कि हम लोग एग्रीमेंट करते हैं सर, जो मकान मालिक साथ बातचीत होती है उसके बाद एग्रीमेंट करते हैं कोर्ट से, 0% रिस्क, जो भी गारंटी हमारी होगी। मकान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, जो एसी बिजली पंखे वायरिंग सारा कुछ ऊपर जाएगा। बढ़ती टेक्नोलॉजी के दौर में कोई भी काम असंभव नहीं है, चाहे मकान की हाइट को ऊपर उठाने की बात हो या फिर किसी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हो, सभी हाई टेक्निक तकनीक से संभव है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन मंटू के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। और अपने सहयोगी दीपक का रुख करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। दीपक, देखिए क्या तकनीक का सहारा लेकर किस तरह से पूरे घर को उठाया जा रहा है। अक्सर विदेशों में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन राजधानी रांची में भी ये मुमकिन हो पाया है। जी, बरसात के दिनों में लोगों को परेशान होते देखना यहाँ आम बात है, क्योंकि जिस तरह से राजधानी रांची विकसित हो रही है उसी तर्ज पर यहाँ बेतरकीब तरीका से आवास और घर और बड़ी बड़ी इमारतें बनती चली जा रही है। जब मकान लोग बनाते हैं उस समय ख्याल नहीं रखते हैं कि भविष्य में क्या परिस्थितियाँ बदलेगी और किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि लोगों को परेशान होना पड़ता है, क्योंकि जब वो मकान आज से 5 साल 10 साल पहले जो मकान लोग बनाए हैं वो ज़मीन के लेवल पर ही मकान बनाए हैं, और जब सड़क वहाँ पे बनती है तो वो 1.5 से 2 फीट हाइट हो जाती है और बाद में उनका घर रोड से डाउन हो जाता है। और यही वजह है कि बरसात के दिनों में लोगों के घर में पानी घुस जाती है, पानी निकासी का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता है जब मकान बनाया जाता है, तो उसकी वजह से जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है। रांची के कांके रोड स्थित जगतपुरम कॉलोनी में एक परिवार रहता है जिनका घर सड़क से काफ़ी डाउन में है और पूरा इलाका कहें तो पूरा बरसात के दिनों में जलमग्न रहता है। उनका घर का जो बेसमेंट है वो पूरी तरह से जल से पूरा भर जाता है और कई दिनों तक वो परिवार बाहर नहीं निकल पाता है, तो वैसे में उन्हें कई तरह की परेशानी होती है, क्योंकि बड़े बड़े जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु, सांप बिच्छू जैसे जीव जंतु उनके घर में डेरा हो जाती है और इसकी वजह से वो लोग ऊपर के फ्लोर में रहने को मजबूर हो जाते हैं, नीचे नहीं आते हैं। तो इससे हर साल उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती थी और इसकी वजह से उन्हें कई तरह से परेशानी के साथ साथ चिंता भी सताती थी कि यहाँ से कैसे बाहर निकले। तो वो लोग अपने मकान को बेचने की चाह रख रहे थे और बेचना सोच रहे थे, तब उन्हें किसी तरह से कहीं से कोई जानकारी मिली कि लिफ्टिंग के जरिए आपका घर का हाइट को ऊपर उठाया जा सकता है, जिसके बाद जो लिफ्टिंग करने वाली कंपनी से संपर्क साधा और उन लोगों को बुलाकर पूरी तरह से सर्वे किया गया और जिसके बाद वो अपने मकान का 8 फीट हाइट लिफ्टिंग करा रही है। फिलहाल अभी मौजूदा समय में 4 फीट जमीन के सतह से ऊपर उठाया जा चुका है, लेकिन इससे पहले कंपनी से जो मकान मालिक है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, क्योंकि कंपनी को विश्वास में लेना होता है किसी भी मकान मालिक, क्योंकि एक बड़ी इमारत है, 2 मंजिला इमारत है और वैसे में अगर किसी तरह का लिफ्टिंग के दौरान कोई हादसा हो जाए या फिर घर में किसी तरह का कोई क्षति हो जाए
तो वैसे में लोगों को भरोसा में लेना बेहद ज़रूरी होता है, और वही यही कारण है कि जो कंपनी है वो मकान मालिक से एग्रीमेंट साइन कर उन्हें भरोसा में लिया, और अभी जो काम चल रहा है वो उसमें 4 फीट हाइट घर की जो सतह है ज़मीन की उससे ऊपर उठाया जा चुका है, और 4 फीट उठाना है। तो बदलते दौर में हाईटेक टेक्निक भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, भले ही यह तकनीक राजधानी रांची या झारखंड के लिए नहीं हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में ये सब काम होती है। जिस कंपनी यहाँ पे जो कर रही है काम, उनसे जब बातचीत किए तो वो बताया कि 20 सालों से वो अलग अलग जगह पे इस तरह का काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पहला तकनीक के इस्तेमाल से किस तरह से घर को 4 फीट ऊपर उठा लिया गया, और वैसे सिचुएशन में जब पानी भर जाए और सड़कें ऊपर आ जाए, घर नीचे चला जाए, तो ऐसे वक्त में ये जो तकनीक है वो काफी मददगार बन सकता है, और इसका जीता जागता जो एक नमूना है वो राजधानी रांची में देखने को मिला है। तो रांची में ये तकनीक आ गई और इसका फायदा निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में लोगों को मिल सकेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।